हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिजाइंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी नेक का एक ब्यूटीफुल डिजाइन। ये एक तरह का ट्रांजी नेक है जिसे मैं इस नेट के साथ रेडी करूंगी। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लाउज इस तरीके से कट करके रख लिया है। तो मैंने ये जो डिजाइन देना है, मैं यहां से अपना उतना ये ब्लाउज कट कर लूंगी जितनी मैंने नेट दिखानी है। टोटल हमें 6 इंच की दिखानी है, लेकिन हम ये जब ये कट करेंगे तो हम 4 इंच का कट करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूं कैसे। ये जो हमारा डिजाइन आएगा 6 या 6.5 इंच पे भी जा सकता है, इससे ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, आप भी ध्यान में रखिए। तो ऐसे मैं ऊपर से 6 इंच पे मार्क कर रही हूं, इसको मैं बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लूंगी इस तरीके से। ये मैंने आगे और पीछे दोनों पे देना है, तो मैंने दोनों पल्लों को रखा हुआ है, पीछे वाले पल्ले को भी और आगे वाले को भी। तो अब मैं यहां पे जितनी मुझे नेट कट करनी है, ये कट करना है फैब्रिक, उतने पे मैं मार्क कर रही हूं। तो मैं ऊपर से इस तरीके से 4.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो ऐसे मैंने इसको भी सीधा सीधा मार्क करके यहां से अपने ब्लाउज को कट कर दूंगी। अब मुझे यहां पे लगानी है इतनी ही नेट, लेकिन नेट लगाने से पहले मैं इस पर डिजाइन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियां रेडी करके रखी हैं। ये मैंने इस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ चौड़ी, ये लंबी आप उतनी ले जितना आपके ब्लाउज की लेंथ है, वो मैं अभी कट कर लेती हूँ इसको। और चौड़ी मैंने ये लगभग 4.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। तो ये जो पट्टी की लेंथ, वो मैं इसके अकॉर्डिंग कट करूंगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये हमारा बैक साइड वाले, अब इसको मैंने खोल लिया है, तो मैं अपनी पट्टी को देखूंगी कि मेरे इसके बराबर हमें ये रखनी है। तो ये देखिए मेरी ऑलमोस्ट बराबर है, सिर्फ आधा आधा इंच ज्यादा है। तो इसको मैं कट कर देती हूँ यहां से। तो अब ये बिल्कुल बराबर है दोनों साइड से। अब मुझे यहां पे बनाना है डिजाइन, इस तरीके से ट्रायंगल्स बनाने हैं। लेकिन उसके लिए मैं पहले इसको, इस पट्टी को इधर से फोल्ड कर लूंगी। डबल फोल्ड कर लेंगे हम इसको इस तरीके से। तो चलिए पहले मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये जो डिजाइन मैं रेडी करने जा रही हूँ, ये फ्रंट साइड पे मैं रेडी करूंगी। तो इस तरीके से मैं इसको खोल लेती हूँ। मैंने इसकी सीधी साइड लेनी है ब्लाउज की, आप भी ध्यान में रखिए सीधी साइड लीजिए। पहले हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं अपनी पट्टी पे, जिसको मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है जैसे मैंने आपको बोला था। ये जो साइड हमने फोल्ड की है, ये हमें नीचे वाली साइड में रखनी है, ध्यान में रखिए। और ऊपर हमें ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि ऊपर से हमें डिजाइनिंग देनी है। तो चलिए पहले हम इस पे पट्टी पे मार्क कर लेते हैं। तो जो मैं डिजाइन दूंगी, वो मैंने ऊपर से लगभग 2 इंच का डिजाइन देना है। तो इस तरीके से मैं 2.25 इंच पे मार्क करूंगी, क्योंकि ऊपर वाली साइड में भी हम थोड़ा सा छोड़ेंगे। आप चाहे ऐसे 2.25 नहीं करना चाहते तो इसको ऊपर से इतना मार्क कर लीजिए। तो अब इससे चाहे 2 इंच आप ले लीजिए, ये देखिए। तो ऐसे ही मैं 2-2 इंच मार्क कर लूंगी। बिल्कुल हमें सीधा सीधा मार्क करना है। तो ऐसे हम अपने स्केल को रख के इसको बिल्कुल सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो अब इस पे जो मुझे डिजाइनिंग देनी है, वो मुझे ट्रायंगल की देनी है। वो मैं कैसे लूंगी, इस तरीके से। मैं यहां से 2.5 इंच मार्क कर रही हूं, ध्यान में रखिए 2.5 इंच मैंने मार्क किया है। फिर मैंने 2.5 इंच पे मार्क करना है,
फिर मैंने 2.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से मैं 2.5-2.5 इंच पे मार्क करती जाऊंगी। तो टोटल हमारे पास ये भी 2.5 इंच बच जाएगा पीछे की तरफ। अब जो ऊपर से हम मार्क करेंगे वो 2.5 का आधा, पहले हम 2.5 का आधा लेंगे यानी कि 1.25, इस तरीके से। अब यहां से हमने 2.5 इंच ही लेना है क्योंकि जो पहले वाला है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। अब मैं यहां से 2.5 इंच पे ही मार्क करूंगी, यहां से भी हम 2.5, इस तरीके से हम ऊपर से भी 2.5-2.5 इंच पे मार्क करते जाएंगे। अब यहां से इस तरीके से एक कोने से ऐसे, और फिर जो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया था उसको मैंने ऐसे ऐसे हमने अपने निशान्स को मिलाते जाना है। ऐसे जो मार्किंग करने से हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। आप भी इसी तरीके से करिए। तो ऐसे ही ये जो हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे बिल्कुल इक्वल बनेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज को ब्लाउज की सीधी साइड लेंगे इस तरीके से, और इस पट्टी को ऊपर रख के ऐसे। तो अब हम इस पे बिल्कुल इस तरीके से स्टिचेस लगाएंगे। अगर आपसे इस तरीके से स्टिच नहीं होता है तो पहले आप यहां पे एक रफ स्टिच कर लीजिए, उसके बाद यहां पे, दोनों साइड पे जब रफ स्टिच होगी तो हमारा कपड़ा बिल्कुल नहीं हिलेगा और हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे रफ स्टिच करने जा रही हूं। इस तरीके से मैंने एक साइड रफ स्टिच कर ली है, अब मैं नीचे वाली साइड में भी कर लूंगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने रफ स्टिच कर ली है। अब मैं ऐसे अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। तो आप इस तरीके से पीछे से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कपड़े में कोई झोल तो नहीं आया हुआ। तो अब मैं अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको स्टिच करूंगी। आप अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगाएं। सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी आनी चाहिए क्योंकि ये जो डिजाइन है हमारा बाहर की तरफ दिखाई देगा, जितनी फिनिशिंग से बना होगा उतना अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से अपने ट्रायंगल्स के साथ भी सिलाई लगा ली है। अब मैं ये ऊपर वाली और नीचे वाली रफ स्टिच को खोल दूंगी। तो ये देखिए ये मैंने दोनों सिलाइयां खोल ली हैं, ऊपर और नीचे की रफ स्टिच मैंने खोल ली है। अब मैं यहां से एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है हमने। इस तरीके से अपने ट्रायंगल के साथ साथ हम इसको कट करेंगे। देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से कट कर दिया है। मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी ताकि ये इजीली हमारा पलटा जाए। मेन हमारे जो कट हमें चाहिए कोने पे चाहिए ताकि जो हमारा कोना है वो अच्छे से पलटा जाए। ध्यान में रखिए आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। सारे कट्स को हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे।
आप किसी पेन से या सिलाई के साथ इसका कोना बाहर निकाल सकते हो अच्छे से। तो ये देखिए, ये ऐसे मैंने सारे कोने बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करूंगी। मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये ऐसे आ गया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपनी जो नेट मैंने इसके ऊपर लगानी है वो मैं मार्क करके लगाऊंगी। तो इसके ऊपर से जो हमने पीस कट किया था उसको हमने संभाल के रखना है, ऐसे फेंकना नहीं है। हम इसको ऐसे रखेंगे इस फैब्रिक को। इतना तो हमारा सिलाई के अंदर भी दब चुका है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखा है। अब हम अपनी नेट लेंगे। मैं यहाँ पे सिंगल नेट ले रही हूं, आप चाहो तो डबल भी ले सकते हो। इस तरीके से हम डबल नेट को, सिंगल नेट को फोल्ड करके रखेंगे ऐसे, ठीक बराबर उसके ऊपर। तो ऐसे हमने नेट को ऊपर रखते हुए हम अपनी नेट को नीचे, ये कट जहां हमारा ये कट है ध्यान में रखिए, कट से हमने आधा इंच नीचे लेनी है नेट। इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे। तो अब मैं इसको सीधा सीधा मार्क करूंगी नेट को। अब हम ठीक इसके बराबर ही हम इसको कट कर देंगे। ध्यान में रखिए आप अपनी नेट ही कट करें। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है नेट को। अब मैं इसको ऐसे खोलूंगी और नेट को नीचे की ओर रखते हुए, तो ऐसे नेट को नीचे रखते हुए मैं यहाँ इसके साथ साथ किनारे की सिलाई लगाऊंगी तो हमारी नेट ये फिक्स हो जाएगी और इस पे हम अपना नेक बना सकते हैं कोई भी। तो फ्रेंड्स, इस नेट को मैंने डबल किया है। मैंने सेम साइज की नेट कट करके उसको डबल कर लिया है क्योंकि सिंगल नेट ज्यादा ट्रांजी हो जाती है और हल्की भी होती है फैब्रिक के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको मैंने थोड़ा थिक करने के लिए, थोड़ा हैवी करने के लिए इसको डबल किया है। तो अब इसको मैं यहाँ पे ब्लाउज के साथ स्टिच करूंगी। वो हमने ऐसे ब्लाउज को उल्टी साइड पे रखते हुए नीचे से इसको मैंने इंटरलॉक कर लिया है। तो अब इस तरीके से इसको मैं यहां से स्टिच कर दूंगी ऐसे ऐसे। हमने इसको सिंगल स्टिच से, पहले रफ स्टिच से स्टिच कर लेना, उसके बाद हम इसकी किनारे की सिलाई लगाएंगे। ऐसे इसको मैंने रफ स्टिच से फिक्स कर लिया है नेट को फैब्रिक के साथ। अब मैं यहां इसकी किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे अब मैं इसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। ध्यान से इसको ऐसे ही बिठाते हुए स्टिच कीजिए, नहीं तो नेट स्ट्रेच कर जाती है और अगर नेट स्ट्रेच करेगी तो हमारे पीस में झोल आ सकती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, नेट में भी आ जाएगी और हमारे ब्लाउज में भी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से स्टिच हो चुके हैं ट्रायंगल्स।
अब यहां से निकल नहीं सकते, तो ये हम रफ स्टिच खोल भी सकते हैं। अब मैं यहां पे अपना नेक कट करूंगी और इसको नेट से ही पलटूंगी। तो अब मैं इसके ऊपर अपना नेक कट करने जा रही हूं। मैं इस पे बोट नेक कट करूंगी और बैक पे भी सेम इसी तरीके से डिजाइनिंग और सेम नेक रहेगा। तो इस तरीके से 4 इंच ब्रॉड यानी कि टोटल 8 इंच ब्रॉड होगा हमारा नेक। और इस तरीके से मैं 4 इंच डीप ले रही हूं, 3.5 हमारा रेडी आ जाएगा डीप। ये नेट है। इस तरीके से यहां से हम अपनी बोट नेक की शेप देंगे। तो ये नेट जो है वो डबल है, इसलिए हम इस पे पहले एक सिलाई लगा लेते हैं। ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं इस पे एक सिलाई लगा लूंगी ताकि ये जो हमारी डबल नेट है वो अलग अलग ना हो। तो आप सबके लिए ये ध्यान में रखने वाली चीज है, ये जो नेक होता है नेट वाला, इसको नेट से ही पलटा जाता है ताकि हमारा पीछे से दिखाई ना दे और ऊपर भी बुरा ना लगे। तो ऐसे ये मैंने लगभग 1.5-2 इंच की पट्टी कट की है नेट की। ये नेट ऐसे स्ट्रेच होती है, तो हम इसको सीधा भी कट कर सकते हैं और आड़ा भी। तो मैंने ये आड़ी पट्टी ली है बिल्कुल 2 इंच की इस तरीके से। अब मैं इसको ऐसे रख के पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको उल्टी साइड पे रख के स्टिच करना है ताकि हम सीधी साइड को रख के फाइनल स्टिच दे सके। तो इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर रखते हुए हमने जैसे पट्टी को रखा है वैसे ही स्टिच करना है, हमें इसको खींचना नहीं है। ध्यान में रखिए ये नेट है, स्ट्रेच हो जाती है। और ये जो नेट हमने स्टिच करनी है ये उल्टी साइड पे रख के स्टिच करनी है। देन आफ्टर बाहर की साइड में पलट के हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे ऊपर। तो ये देखिए ये एक साइड हमारी स्टिच हो चुकी है। अब मैं इसको सीधा करेंगे हम इसको और अपनी पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बाहर ऐसे लेके आएंगे और यहां पे किनारे की सिलाई देंगे। तो हमारा ये नेक पलटने के बाद ऐसे आ गया है। आप बैक नेक भी इसी तरीके से पलट सकते हो सेम डिजाइनिंग के साथ। अगर आपने स्लीव्स भी डिजाइनर बनानी है तो वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो मैंने आपको फ्रंट नेक का डिजाइन बता दिया है। ये होगी हमारी फाइनल लुक फ्रंट नेक की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।